नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर सनी पुणि थरे स्वागत करुछि आपण मानकु एई अनन्य भक्तिमूलक कार्यक्रम भक्ति जिज्ञासार परिवेश को पुणि थरे मन भितरे एक जिज्ञासामूलक प्रश्न एवं तार समाधान रखिया पई आम सहित हस हस मुहरे जोडी हिचंती ज्योतिर्विद पंडित चित्तरंजन महापात्र नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। पिला मानकर विद्या को नहीं कि प्रत्येक घरे चिंता लागि रहिथाय तेबे मु सुनिया को पाइली किछि लोकक ठारु जे मयूर चंद्रिका द्वारा मध्य पिलांकर विद्यारे उन्नति आसी पारे पिलामानकर विद्यारे परिवर्तन करा जाई पारे तेणु तार समाधान खोजिया पई आज आपनक निकटरे समाधान देबे। पिलांकर पढ़ाने मन लगुना विशेष कर स्मरण शक्ति हानि करूछि मानसिक स्थिरता आसुनि बा अस्थिरता होउछि विशेष भाव में पिला दुष्टामी करूछि माँ मैंने सब नहीं चिंतित था बापा मैंने नहीं चिंतित था विशेषकर आम देखा कौन सब एम प्रभाव रही देखो गोटे जिनस पाकर पाठपढ़ा स्मरण शक्ति न आसवा इच्छा शक्ति न आसवा मनरे अस्थिरता आसवा यह सब गोटे ग्रहर प्रभाव होता वास्तुर प्रभाव भी होता है पिला प्रति पिलार गोटे खराब ग्रह पड़ पिला खराब प्रभाव में मतलब जिनस कै डिस्टर्ब हुए आपंती कि राहु गोटे पिला पड़ चंद्र आदि पड़ो मानसिक शुक्र आदि पड़ो मानसिक अस्थिरता कर पाठ पढ़ा मन लगभनी अजथा टेनसन दब अजथा अजथा कार्य लिप्त कर तो से प्रति मत भी ग्रह प्रभाव भी कर दुई आप पाठपढ़ा घर टी ठीक डिरेक्शन न करिए मत भी पिलार बेडरूम टी ठीक डिरेक्शन न करिए मत भी ता प्रभाव मत भी मानसिक अस्थिरता टेनसन चिंताग्रस्त पढ़ार मन लगवा तार सब समस्या कराई थाए तो पिलाटी को आम देखा ये मयूरपुच्छ द्वारा मयूर चंद्रिका द्वारा आम ग्रह और वास्तु दुईटा जिनस ठीक करज्ञा गोटे पिलार आज्ञा कौन कले से सब समस्या दूरीभूत हो पारे प्रथम तो जो राहु चंद्र शुक्र मुझे कहली ये सब अधिपतित मयूरपुच्छ बेसी विशेष भाव में प्रयोगात्मक जिनस आज्ञा विशेष भाव प्रयोग कले पिला सुफल प्राप्त यही ग्रह गुड़ाक प्रभाव ह्रास पाते आज्ञा मयूर चंद्रिकार प्रयोग द्वारा तो आम देखा प्रथम पिला किपर भाव जी आप गोटे पिलार बेडरूम हो अथवा से बेडरूम आज्ञा शयन कक्ष सब देखिए दक्षिण पट कांथरे शयन कक्षर दक्षिण पट कांथरे पिलार मयूर पोछ रखती बेड्रे मारती गोटे सिंगल चिंगल कर मारती कौन स्टाण्रे भी रखती सतोटी एक चारोटी देखिए पिलार सुखद निद्रा आसे एवं पिला को गोटे पजिटिव लगे सब खराब जो शक्ति दूरीभूत ही गोटे शुभ ऊर्जा पिला ग्रहण करते तो अत जदि शोबा आ तार शुभ ऊर्जा मानसिक स्तर आसे तो निश्चित भाव मानसिक शांति तो मिल पाठपढ़ा प्रति आग्रह शक्ति आसब तो प्रत्येक बापा माँ को कह पिलार शयन कक्ष शोवा जगार निश्चित भाव में शोवा घरे तो आप प्रश्न आसवा जार बेडरूम ना जो पिलार प्राय लोग व्यक्ति मन द्वंद आसूब आज्ञा से पिला कौन कर तो जब दुष्टामी कर पाठ पढ़ू ना तो देखो जार बेडरूम ना से बेड्रे शू कि तल पटी पारिकी शो पट्टी तले आप पकई पारे ये जो मयूरपुच रखिपर शोला समय पकड़े पिला दुष्टामी कम मन स्थिरता आसव जो जो पट्टी तले शो से तले पकई बोध शुआई पारे चारोटी सतोटी मयूरपुच पक शे जार बेड अच्छे रखिपारे सर बेड तले पक शे ये सब करवा द्वारा पिलार दुष्टामी कमे और पिला मानसिक स्थिरता आसे इवे आसा पढ़ार स्थिरता आसपे स्मरण शक्ति बुद्धि पाई सब देखिए पिलार बही भितर गोटे मयूर पुच्छ को मयूर चंद्रिका को रखिले पिलार सब पढ़ार स्मरण शक्ति आसे तो निश्चित भाव में देखिए बही भितर गोटे मयूर पुच्छ रखा चेष्टा करेंगे पिलार बही भितर आसपे आउ गोटे जिनस कौन करेंगे जो टेबुल पिला पढ़ुची तले पढ़ुची बसिकी पिला जो रूम्रे बस पढ़ुची से रूम्रे आप गणेश गोटे छोट मूर्ति स्थापन कर रखिए तार दीपट सैड आपठी भी प्रश्न तो कौपट दिग्वे रखिए आज्ञा वास्तु अनुसार पूर्वपट कांथ रखिपारे कि बेटर न दक्षिणपट कांथरे दक्षिणपट कांथरे गणेश उत्तरपट रखिक दक्षिण मुह कर रखिपारे आज्ञा गणेश को कि पूर्वपट मुख रखी उत्तर पश्चिम मुख को रखिपारे कि पूर्व दक्षिण कांथ रखा विशेष भाव में गुरुत्व पूर्व दक्षिण कांथरे गोटे गणेश को रखी दी सैड्रे दीटा मयूरपुच्छ रखिए आज्ञा गोटे गोटे करके रखिले सीटा से बेटर हम पिलार पढ़ा टेबुल पर रखिए यदि आप बेटर हम तो ए प्रकार भाव यदि करती पिलार मानसिक स्थिरता आसवा सहित पिलार दुष्टामी ह्रास होता है और पिला पाठपढ़ा प्रति मन लगी देखिए विशेष भाव में यार समस्त ग्रहरिष्ट खंडन हुए
ଯଦି ଘରେ କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ବି ସେ ବି ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଏଭଳି ସମାଧାନ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ମାଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାପାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭକ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନଟି ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଭକ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତା'ର ସମାଧାନ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବୁ ଭକ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।